रोज सुबह से लेकर शाम तक ढूंढ रही हूँ मैं अपनी मानों को। सारा शहर छान मारा लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पापा कम से कम आज तो मेरी इस कोशिश को कामयाबी दो, किसी तरह मिला दो मेरे मानव से। अब और ताकत नहीं है मुझ में, थक गई हूँ मैं। और फिर कोई ऐसा रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। सुलोचना ताई, वो मुझे बता सकती है उन दोनों के बारे में, लेकिन अब कौन सा मुंह लेके जाऊं उसके सामने। पहले ही वो मानव और अर्चना को लेकर कितना कुछ सुना चुकी है मुझे। अब पता नहीं इस बार क्या क्या कहेगी, लेकिन ठीक है ना, कहती है तो कहे। मुझे तो सिर्फ मानव का पता मिलने से मतलब। अगर उसके लिए सुलोचना ताई के सामने झुकना पड़ता है तो ठीक है, यही सब मानव के लिए वो भी करने को तैयार हो। पता नहीं कहाँ चले गए, दवाई भी नहीं ली, खाना भी ठीक से नहीं खाया, मुझसे ही गलती हुई। सब कुछ जानते हुए भी मैंने, आप ऐसी खड़ी रहोगी या मुझे पानी पिलाओगी? बहुत प्यास लगी, कशाला कोरड़ पड़ ली। वो पानी वानी बाद में, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा अंदर जरा झांक के देखूं वो है या नहीं। दिन भर इस गली से उस गली तक मैं ढूंढती फिर रही हूँ, लेकिन उसका पता नहीं चला मुझे। थक गई मैं ढूंढते ढूंढते। आप बैठी। क्या कह रही है ये सब? हाँ, और किसे ढूंढ रही हैं आप? मेरे बेटे के लिए रो रही हूँ। पता नहीं वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, वो कहाँ है, क्या हाल में है, कैसा है, कुछ नहीं पता। थक गई हूँ अभी। अभी जी घबराने लगा है, घर में घुटन होती है, अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ताई, आपने सच्ची कहा था, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, पत्थर दिल हूँ मैं। मैंने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, अभी उसकी एक झलक के लिए मैं तरस रही हूँ। कृपा करके बता दो ना, मेरा मानव कहाँ है? आपका मान? जिस दिन आपने उसे घर से बाहर निकाला ना धक्के मारकर, उस दिन से वो मेरा मानव हो गया। मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास ही नहीं है। आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है ना, आज आपको पछतावा हो रहा है, पता नहीं कल आपका मन अचानक बदल जाएगा, आप उन्हें वापस घर के बाहर निकाल देंगे धक्के मारकर। इसीलिए मालूम होते हुए भी मैं आपको उनका पता नहीं बताऊंगी। आप ढूंढते रहिए उन्हें इसी तरह, और नहीं मिलते हैं ना तो रोती रहिएगा, दुखी होती रहिएगा, यही आपकी सजा है। और वैसे भी उसको ढूंढकर क्या करेंगे आप? उसके सामने हाथ जोड़ेंगी, माफी मांगेंगी, हाँ पछताएंगी? अरे कितनी बार माफी मांगेगी आप उससे, और वो क्यों माफ करेगा आपको? बस एक बार वो मुझे माफ कर दे, फिर मैं उनकी जिंदगी में कभी नहीं जागूंगी। उनके सुख दुख को मैं दूर से रह के आजमाऊंगी, उनके सुख के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, लेकिन उनको सताने नहीं जाऊंगी। शायद दूर रहना ही मेरी सजा होगी।
और वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सुलोचना ताई, सुलोचना ताई, आपके बहुत एहसान है, आपने मेरा दुखड़ा शांति से सुन लिया। अब और एक एहसान करना, अगर अर्चना और मानव यहाँ आए तो उनसे मत कहना कि मैं यहाँ आई थी उन्हें ढूंढने के लिए, रो रही थी। वो बहुत अच्छे दिल के हैं दोनों, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मुझे मेरी सजा भुगतने नहीं देंगे। अरे मानव, आप उठ गए? लीजिए। आप ठीक है ना मानव? आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अर्षा, मुझे बहुत बेचैनी सही लग रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है मानव, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा आपको लग रहा है। आपको पापा पर विश्वास है ना, सब ठीक होगा। आपको पता है मानव, आजकल आप छोटी छोटी बातों को इतना सोचने लग गए ना, इसलिए ऐसे सारे ख्याल मन में आते हैं। नहीं अर्चना, मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ना पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि कोई अपना बहुत याद कर रहा है, मुझे परेशानी में है और मुझ तक पहुंचना चाह रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। आई, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको आई याद करनी होगी। मानव, जब से हमने वो घर छोड़ा है ना, तब से मैं एक भी बार आई से नहीं मिले, आप आई से नहीं मिले। मुझे ऐसा लगता है वो आप ही की राह देख रही होंगी। सही कह रही हो अर्चना, आई का नाम सुनते मुझे और बेचैनी हो रही है। जब से वहां से गए हैं मैंने एक बार भी मैंने आई से बात नहीं की। पता नहीं अब कैसी होगी वो। मानव, वो ठीक होंगी, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो बाबा हमें बताते ना, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लेकिन फिर भी अगर आपको शांति नहीं मिल रही है तो आप जाइए और आई से मिलकर आइए। आप दोनों को अच्छा लगेगा एक दूसरे से मिलकर। ये ठीक रहेगा अर्चना, मैं आई से मिल ही लेता हूँ, पूछता हूँ सब कुछ ठीक तो है ना। सबसे पहले एक और काम है मुझे वो बैंक में जाना है, पता करना है कि वो क्लाइंट ने पैसे भिजवाए हैं कि नहीं। अगर पैसे नहीं भिजवाए होंगे तो और भी नहीं। मानव, पैसे आपके बैंक में पहुंच गए होंगे। देखना, आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए, मैं आपका नाश्ता तैयार करती हूँ। आपका मानव, जिस दिन आपने उसे घर से बाहर निकाला ना धक्के मारकर, उस दिन से वो मेरा मानव हो गया। इसीलिए मालूम होते हुए भी मैं आपको उनका पता नहीं बताऊंगी। आप ढूंढते रहिए उन्हें इसी तरह, और नहीं मिलते हैं ना तो रोती रहिएगा, दुखी होती रहिएगा, यही आपकी सजा है। तुझे क्या लगा? तू मुंह उठाकर मेरे घर में चली आई तो मैं तुझे मेरी बहू मानूंगी? तूने सोचा ही कैसे? मैं हमेशा के लिए रुकने आई। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी, और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। जाने से पहले मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता, तुझे खुशखबरी देना चाहता। तू आज ही बनने वाली, बस मुझे एक बात का डर लग रहा है, कल जब तेरे पास सब कुछ होगा तो तेरे अपने नहीं होंगे तुझसे प्यार करने वाले। Thank you.
कर देना बेटा, मुझे माफ कर दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं तुझसे इतना दूर नहीं रह सकती बेटा। बड़ा दिल वाला है ना, सबकी गलतियों को तो तुरंत माफ कर देता है, तो अपनी आई को क्यों नहीं। बेटा बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। एक बार मेरे पास आ जा बेटा, मैं तुम दोनों को अपनाऊंगी, गले लगाऊंगी। तू कहेगा ना तो अर्चना से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन बेटा मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जा बेटा। अगर तू नहीं आएगा तो मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी। अर्चना, अर्चना एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मानव क्या बात है? वो क्लाइंट है ना, उसने सारे के सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब चेक आराम से क्लियर हो जाएगा। मानव आपको पता है, सुबह जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मैंने बप्पा से मांगा था कि मानव की जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ दूर हो जाए। मानव और मैंने उनसे कहा था कि अगर ये सब कुछ होता है ना तो मैं आपको मंदिर लेकर आऊंगी, आप मेरे साथ चलेंगे ना? तो फिर चलिए मेरे साथ। चल। क्या हुआ अर्चना, तुम्हारे पेट में वापस दर्द हो रहा है? मानव एक मिनट, मैं दवाई देख। मानव अरे दवाई खत्म हो गई, तुमने बताया नहीं। मानव वो खत्म हो गई, मुझे चलो 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 डॉक्टर के पास चलो। मिस्टर मानव, डॉक्टर अर्चना कैसी है? मानव मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, अर्चना की हालत थोड़ी नाजुक है, पेन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे मैंने उसे पेन किलर का इंजेक्शन दिया हुआ है। अच्छा मानव, मैंने तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी, वो तुम अर्चना को लगातार दे रहे हो ना? हाँ डॉक्टर, हर दिन हर टाइम पे देता हूँ, बस आज सुबह रह गया था वो दवाई खत्म हो गई थी। बाकी आपने जैसा डाइट दिया था बिल्कुल वैसे ही, समय पे जूस समय पे खाना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर? समझ में नहीं आ रहा है, फिर अर्चना को पेन क्यों हो रहा है? कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर? अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन कुछ टेस्ट करने होंगे उसके। टेस्ट? कैसे टेस्ट? मानव कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, इसके अलावा सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड भी, तभी हम बता सकेंगे क्या हुआ है उसे। सामने हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर के ये टेस्ट करवा लेते हैं, तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लो। कितना पैसा लगेगा डॉक्टर? एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन 15,000 से 20,000 तक तो लगेंगे। मानव ये वक्त पैसों के बारे में सोचने का नहीं है, देखो अर्चना के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि उसके दर्द की वजह क्या है, कहीं छोटी सी लापरवाही आगे कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ा दे। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तब तक मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। अब कैसा लग रहा है? मानव मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अर्चना, अभी वो हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने। मानव मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराने, हम यहाँ से सीधा घर चलेंगे। ठीक हूँ अर्चना, देखो हम घर तो जाना ही है, लेकिन पहले टेस्ट सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए टेस्ट करा लो, मैं तुम्हारे लिए टेस्ट नहीं करवा रहा, मेरी तसल्ली के लिए करा लो। मानव लेकिन पैसों का इंतजाम हो जाएगा अर्चना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मानव लेकिन आपने तो सारे पैसे बैंक वालों को दिए। फिर मैं कह रहा हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से इंतजाम कर लूंगा। चलो बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो, टेस्ट करा लो। कैसा लग रहा है अर्चना?
डॉक्टर अभी दर्द कम है। चलो ठीक है, जल्दी आओ, हॉस्पिटल चलते हैं। जाओ अर्चना तुम, जाओ, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। मानव सब ठीक हो जाएगा ना? अरे सब ठीक हो जाएगा अर्चना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ अर्चना। कहाँ चला गया? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जब खुद को जरूरत थी तो दिन में 50 बार फोन करता था मुझे। अब पता है ना कि उसकी जरूरत पूरी हो रही है तो मेरा फोन क्यों उठाएगा भला? अरे मेरी उंगलियां भी तो पत्थर के नीचे धसी हुई है। मेरे बैंड्रा वाले फ्लैट की प्रॉब्लम नहीं होती थी ना तो उसके आगे मैं कभी हाथ पैर नहीं जोड़ती थी। अब ये घर तो हाथ से गया। कम से कम पैंड्रा वाले फ्लैट को तो बचा लूं मैं। हाँ हाँ अजीत, हाँ वो सारे ऑर्डर्स मैंने भिजवा दिए हैं। हाँ हाँ उसका बिल भी भिजवा दिया क्लाइंट्स को, 2-3 दिन में पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा विनोद, घर पर सब लोग कैसे हैं? हाँ अभी सब ठीक हैं और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी हो रहा है। चलो अच्छी बात है। और विनोद किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बोल देना। हाँ अजीत जरूर। अच्छा अजीत अभी मैं फोन रखता हूँ, बाकी बात दुकान पर करते हैं, ठीक है? ओके बाय। मंजू तुम भी ना, तुम देख रही थी कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ और फिर भी बीच बीच में टोके जा रही हो। विनोद मेरे रोकने या मेरे टोकने से कुछ होने वाला है क्या भला? तुम सुनोगे मेरी? नहीं ना, वो तुम्हें अपनी वो क्या है सारे लोगों की मुश्किलें अपने ऊपर डालने की आदत जो पड़ चुकी है, कोई क्या कर सकता है भला? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भला? तुम तो ना, तुम्हें पता है कल जानबूझकर मैंने सतीश के सामने वो बैंक के लोन के बचे हुए पैसों की बात निकाली ताकि वो उन्हें भरने के लिए राजी हो जाए। वो राजी हो भी गया लेकिन पता नहीं विनोद करंजकर महाराज का अंदर का महान बेटा पता नहीं कहां से बाहर निकल कर आ गया और सारी जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले ली। अरे क्या जरूरत थी ये करने की? जरूरत है मंजू, मैं इस घर का बेटा हूँ और मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। अपने बेटे होने का ही फर्ज निभाओ, हमारे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? विनोद, विनोद तुम्हारे दिमाग में एक सीधी सी बात क्यों नहीं घुसती है? अरे मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर सतीश के सामने वो बात निकाली थी, वो राजी हो गया था, वो बैंक के पैसे भर देता, ये घर के पेपर्स हमारे पास आ जाते, इस घर को गिरवी रखकर हम अपना वो फ्लैट छुड़वा लेते, तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते। लेकिन नहीं, बाल श्रवण निकल कर आ गया ना। विनोद मुझे एक बात बताओ, वो बैंड्रा वाला फ्लैट क्या सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं है? उसके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम्हें पता है सोसाइटी ने तो अब हमें किराएदार रखने के लिए भी मना कर दिया, हमने ऑक्यूपेशन चार्ज तक नहीं भरा वहां का, पता नहीं अब आगे क्या होगा। विनोद, विनोद तुम्हारा घर यही रवैया रहा ना, ये घर तो क्या वो घर भी हमारे हाथ से गया। मंजू 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 अर्चना के चेकअप के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लो? मेरे अकाउंट में पैसे तो हैं लेकिन वो वहाँ होकर भी ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो यकीनन बैंक वालों को दिया हुआ चेक बाउंस हो जाएगा, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अर्चना का इलाज भी तो उतना ही जरूरी है, उसे मैं इस हालत में दर्द बर्दाश्त करने के लिए छोड़ नहीं सकता। पापा कैसी दुविधा में डाल दिया है आपने मुझे। लीजिए आपके पैसे, अब ये कारोबारी रोक दीजिए। कुछ टेस्ट करने होंगे उसके। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर? 15,000 से 20,000 तक तो लगेंगे। हेलो। अरे मानव कहाँ हो तुम? पैसे लेके हॉस्पिटल पहुँच रहे हो ना? देखो मुझे जल्द से जल्द अर्चना के टेस्ट करवाने हैं और जब तक मैं टेस्ट नहीं करवा लेती मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती हूँ। अरे नहीं डॉक्टर, आप काम रोकिए मत, आप टेस्ट शुरू कीजिए बस, पैसे लेके आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। ओके। बैंक जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।